अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत ही ख़ास है। आज हम जो है बनाने वाले हैं रोल समोसे। अपने नॉर्मली समोसे तो ऐसे ही बहुत ही बनाए होंगे और बहुत ही खाए होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग सा ट्राई करेंगे। और ये समोसा बनाने में जितना आपको ये डिफ़िकल्ट देखने में लग रहा है, बनाने में उतना ही ज़्यादा ईजी है और खाने में समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसे बनाने का तरीका मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर इसके साथ साथ मेरी और भी आपको बहुत सारे रेसिपीज़ देखनी है तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रोल समोसा। रोल समोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है आटा गूंद के तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कलौंजी ले लिया है। कलौंजी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। मुझे कलौंजी पसंद है समोसा में तो मैं डालती हूँ, अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप अजवाइन ही डालिए। तो अब 2 टेबलस्पून भर के जो है हम इसमें घी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको हाथों से बाइंड करके देखिए, अगर आपका जो मिक्सचर है आटे का वो अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको हम नॉर्मल सा डो रेडी कर लेंगे। अगर आपका इस तरह से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा घी और ऐड कर दीजिए। तो चलिए अब आटा गूंद लिया है हमने, अब इसको रख देंगे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे। तो अब बना लेते हैं अंदर की स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का जो है आलू बॉइल कर लिया था। अब इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे और इसको अलग हटा के रख देंगे। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन गरम करने के लिए मैंने रख दिया था, पैन हमारा गरम है और इसमें 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। और जैसे ही ऑयल गरम होगा तो मैं इसमें कुटा हुआ जो है जीरा, सौंफ और जो है साबुत धनिया मैंने कूट के रेडी कर लिया था, वो सारा जो है 1 टेबलस्पून जितना लगभग हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही हल्का सा भुन जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और मिर्ची का पेस्ट। अदरक मैंने 1 इंच जितना टुकड़ा लिया था और हरी मिर्च जो है 4-5 मैंने यहाँ पे कूट लिया है। आप इसकी जगह मिर्च कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह से हम डालने के बाद स्लो फ्लेम में भून लेंगे मसालों को। मसालों को भूनने के बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, नहीं तो मसाला जो है हमारा जल जाएगा। और इसमें ये जो हम मैं स्टफिंग बना रही हूँ इसमें ये मसाला बहुत ही यमी लगता है। तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। मिर्च आप अपने हिसाब से ही ऐड करिए। तो अब चलिए इसमें मैं डालती हूँ बॉईल किया हुआ अपना मैश किया हुआ आलू। तो आलू डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम याद रखिए आपको स्लो में ही रखना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून से भी कम, यानी कि 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड करूंगी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो देख सकते हैं आलू का कलर जो है एकदम चेंज हो गया है और स्टफिंग बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे एंड में और लीजिए तैयार है हमारे समोसों की स्टफिंग। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा होगा समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, आटे को 1/2 घंटा रेस्ट भी हो गया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बार आटे को हम इस तरह से बाउल से निकाल के अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में और बड़े बड़े से रोटी बेल के रेडी करेंगे। मैंने 1 हिस्सा ले लिया है। अब इसको सूखा मैदा छिड़क के मैं एक बड़ा सा जो है रोटी बना के रेडी कर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है और इसकी जो थिकनेस है इसको आप रखना है जैसे हम समोसा बनाते हैं नॉर्मली, बस उस तरह से ही हमें इसे रखना है। ज़्यादा मोटी या फिर ज़्यादा पतली हमें इसकी रोटी जो है नहीं बेलनी है। तो इसी तरह से सूखा मैदा लगा के हम इसका बड़ी साइज़ का रोटी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं रोटी बनाने के बाद अब जो है छोटी वाली कटोरी सेंटर में रखना है, यानी कि बीच में रख देंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है सब में हम जो हमने आलू इसकी जो स्टफिंग बना के रखा था वो सारा हम इसमें अच्छी तरह से मैश करके हर जगह जो है हम इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से आलू को लगाने के बाद अब कटोरा हटा लीजिए और सेंटर में हमने जहाँ कटोरा रखा था हम उसमें पानी लगा देंगे। तो
तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है। अब इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी कटिंग रेडी हो गई है कटिंग करके। तो अब थोड़ा थोड़ा मैंने जहाँ जहाँ सूख गया था, पानी ड्राई हो गया था, मैं वहाँ पे पानी लगा दी हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इस तरह से रोल करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जो है ये रोल बन के रेडी हो जाता है। बस आपको कुछ करना कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह से आपको रोल बना के रेडी कर लेना है। देखने में ये बहुत ही यूनिक और अलग सा लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी है। तो सारा समोसा हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको हम स्लो यानी कि लो हीट जो है ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। एकदम से गर्म हीट ऑयल में नहीं डालना है। इस तरह से हमें डाल के जितना आपका कढ़ाई में आए उतना आप डालिए और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हम फ्राई करेंगे। और इस तरह से हम छोटी स्पून से उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और ये समोसा जो है हमारा पोटैटो रोल समोसा वो बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बनके रेडी है। तो फटाफट से हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है मज़ेदार यम्मी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाला पोटैटो रोल समोसा। आप इसे सॉस चटनी किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नए अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।